अगली खबर लेंगे सरगुजा से, जहां पुतादी की कड़ाके की ठंड के कारण 3 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। शीतलहर से स्कूली बच्चों को अब यहां पर राहत मिलेगी। स्कूलों में हुई 3 दिनों की छुट्टी घोषित। बता दें कि 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 3 दिन तक की छुट्टी घोषित की गई है। सरगुजा संभागर में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए स्कूली बच्चों को छुट्टी दे दिया गया है। 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो शीतलहर से बचने के लिए स्कूली बच्चों को यहां पर छुट्टियां दी गई है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है। तो कड़ाके की ठंड के कारण 3 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। तो कड़ाके की ठंड के कारण आपको बता दें कि 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। शीतलहर से स्कूली बच्चों को बचाने के लिए छुट्टी दे दी गई है। 3 दिन तक छुट्टी बढ़ा दी गई है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 3 दिन तक की छुट्टी घोषित किया गया है। इसके लिए बता दें कि कलेक्टर ने आदेश भी जारी किया है। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। पिछले 21 दिन से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल देखी जा रही है। कल एक गुट ने हड़ताल किया था खत्म करने का ऐलान। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों और पदाधिकारियों में विवाद हुआ। कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने से इनकार किया। 32,000 संविदा कर्मचारी अभी भी हड़ताल जारी रखेंगे। बताया जा रहा है कि नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। कल जेपी अस्पताल में दिन भर हंगामा चलता रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमृतांशी का रुख करते हैं। अमृतांशी, देखा जा रहा है पिछले 21 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि कल कहा जा रहा है कि उन्होंने हड़ताल खत्म करने की बात कही, लेकिन उसके बाद एक विवाद देखने को मिला, जिसके बाद से वो दोबारा अब हड़ताल पर बैठ चुके हैं। क्या और जानकारियां? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों जो हड़ताल कर रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, उसमें दो फाड़ देखने को मिल रही है। जहां एक और जो मुख्य पदाधिकारी थे, जितने भी उनके संगठन के, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, उनने अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी ओर जो कर्मचारी थे, उनको इस बात की भनक लग गई थी कि उनके जो पदाधिकारी हैं वो मिलने गए हैं और वो गलत ऐलान कर सकते हैं। तो उन्होंने जो हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया था, तमाम जो अधिकारी थे वो 1 महीने का उन्होंने समय मांगा था। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर जो जितने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि वो पदाधिकारियों की बात नहीं मानेंगे और जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती वो लगातार हड़ताल जारी रहेंगे। यहाँ तक कि इस तरीके से जो है हंगामा कल राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में देखने को मिला था, क्योंकि वहीं पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं सुनील यादव और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके बीच में खासा झड़प होती हुई भी नजर आई थी। और जितने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है, उन्होंने अध्यक्ष की जो कार है उस पर गद्दार तक लिख दिया था। तमाम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं उनके संगठन के, उन्होंने बिना बातचीत किए उनसे जो है हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। जबकि दूसरी ओर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल खत्म करने के कोई मूड में नहीं थे जब तक, क्योंकि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है, वो लगातार हड़ताल जारी रखने वाले थे। अब दो फाड़ के बाद ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल जारी रखेंगे। 32,000 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, लेकिन अब जो संगठन है उसको बदलने की प्रक्रिया यहाँ पर जो है पूरा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय लगता है और तब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। लेकिन सरकार से बातचीत के बाद भी कोई मांगे पूरी नहीं हो पाई है। संगठन के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके आदेशों को भी पूरी तरीके से यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नकार दिया है। और आज 21वां दिन है, कुछ ही दिन बाद देखिए 1 महीने हो जाएंगे, लेकिन हड़ताल लगातार जारी रहने वाली है, मांगे पूरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कि परेशान कर देने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, टीकाकरण जो है वो किया जाना है, चाहे कोविड की बात करें या अन्य बीमारियां हैं, मिजेला है, रूबेल्स है, उसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं, तो असर तो खासा पड़ता हुआ नजर आ ही रहा है। लेकिन अभी देखना होगा कि कितने समय में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं और किस तरीके से जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नए संगठन का निर्माण करते हैं और दोबारा से हड़ताल जो है लगातार जारी रखते हैं। जी ठीक है, ठीक है अमृतांशी, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।